मार्वल के तीन ऐसे सुपर हीरोज जो वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, बट उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं जो उन्हें काफी ज्यादा हद तक वीक बना देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है वेनम। तो यार वेनम एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जैसे कि उस पर गोलियों का या फिर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता, बट उसकी एक वीकनेस है जो है तेज आवाज। तेज आवाज से वेनम की लिटरली काफी ज्यादा फट जाती है। जैसा कि हमने स्पाइडरमैन 3 के अंदर देखा था कि स्पाइडरमैन ने तेज आवाज की से ही वेनम को मार दिया था, और वेनम मूवी के अंदर भी वो तेज आवाज के डर से एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है। नंबर 2, ब्लैक पैंथर या वकांडा के बाकी लोग। तो यार ये तो हम सबको पता है कि वकांडा के अंदर वाइब्रेनियम मिलता है, और वकांडा के जितने भी लोग हैं वो अपने वेपन्स को बनाने के लिए वाइब्रेनियम का यूज करते हैं। बट क्या आपको पता है कि वाइब्रेनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वकांडा के लोगों को काफी ज्यादा आसानी से हराया जा सकता है। नंबर 1, आयरन मैन। तो यार ये तो हम सबको पता है कि आयरन मैन का जो सूट है वो उसके आर्क रिएक्टर की हेल्प से ही चलता है, और वो आर्क रिएक्टर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर आर्क रिएक्टर को ही तोड़ दिया जाएगा तो उसका सूट काम ही नहीं करेगा। और ये चीज हमने सबसे पहले आयरन मैन 2 के अंदर देखी थी कि उसके आर्क रिएक्टर को निकाल के उसको पैरालाइज कर दिया था, और फिर उसके बाद सिविल वॉर के अंदर भी कैप्टन अमेरिका ने उसके आर्क रिएक्टर को तोड़ दिया था, तब उसकी वजह से उसके सूट ने काम करना बंद कर दिया था। तो यार ये थी उन तीनों कैरेक्टर्स की कमजोरियां। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।